सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इट्स नो वंस कॉम्पिटेंस टू डू थिंग्स, इट्स बेसिकली अल्लाह की ब्लेसिंग। अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला हमेशा आपका साथ देते हैं। आपकी जो वालदैन हैं उनकी दुआएँ मेरे लिए, फादर फिगर मलिक असलम साहब, जिन्होंने हमेशा मेरे पे ट्रस्ट किया, गाइड किया, जब मैं डाउन हुआ इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, ऊपर लेके गए। तो मेरे इस परफॉर्मेंस के ऊपर, इस अचीवमेंट के ऊपर जो एज अ टीम हम सब ने मिल के की है, इसमें मलिक साहब का सबसे बड़ा हाथ है। तो ये क्लैपिंग और ये प्रमोशन बेसिकली मलिक साहब के लिए। इसके अलावा जितने मेरे कुलीग्स हैं, हमारे साथ चीमा साहब ने काम जब शुरू किया, उसके बाद हमें ब्रिगेडियर साहब ने बहुत सारी गाइडेंस भी दी, हमने बहुत कुछ सीखा। हमारी जो टीम है, अकाउंट्स की टीम, मार्केटिंग की, रिकॉर्ड की, हमारे जितने लोग हैं, इन्होंने हमेशा जो है सपोर्ट किया मामला को संभालने में, इसको मेंड करने में, किस तरह से हम चीज़ें आगे लेके जाएं, उसमें बड़ा हेल्पफुल रहे। और हमेशा ये है कि जो गोल है वो एक टीम के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं, पर्सनली आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से सब लोग इसमें शामिल हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे जो इसके साथ साथ सेल्स पार्टनर हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में बड़ा किरदार अदा किया है, उनसे हमने सीखा भी, बाद में उनको सिखाया भी, तो ये सीखने सिखाने का अमल भी चलता रहा। और मेरी टीम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दिन रात मेहनत की है, कभी लेट डाउन नहीं किया किसी के सामने, और ये क्रेडिट जो है वो सबको जाता है। थैंक यू वेरी मच। स्पेशली मैं एंड पे जो शुक्रिया है जाहिद रफीक साहब का भी ज़रूर करना चाहूँगा, चांदेव साहब का भी करना चाहूँगा, क्योंकि बेसिकली वो इस प्रोजेक्ट के, इस कंपनी के ऑनर्स हैं, और इट्स देयर डिसीजन कि वो किसके ऊपर एतबार करें इस प्रोजेक्ट को चलाने में। सेल्स और मार्केटिंग के हवाले से उनको नज़र आया कि मैंने अपना 100% दिया है, और मेरी अपनी तरफ से भी यही कोशिश रही कि मैं हमेशा अपना 100% ही दूँ। तो जिस तरह से उन लोगों ने भी मेरे पे ट्रस्ट किया, मेरी भी ये पूरी कोशिश रहेगी और रहती है कि मैं भी अपना पूरा का पूरा 100% उनके मेयार के मुताबिक मैं इसको इम्प्रूव भी कर सकूँ और दे भी सकूँ। तो एट द एंड आई एम ग्रेटफुल टू द चेयरमैन ऑफ द कंपनी एज वेल, टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एज वेल, ऑफ कोर्स ऑल्सो थैंकफुल टू द ग्रुप CEO, टू चीमा साहब, और जो हमारे जितने सेक्शन हैं उनका फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा दिन है, मुबारकबाद दिन है कि अच्छी कंपनीज में जो लोग काम करते हैं उनकी अप्रिसिएशन होती है, और जो काम नहीं करते हैं उनके कान खींचे जाते हैं, राइट। सो आज हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा दिन है कि कंपनी ने ये इवेल्युएट किया कि पिछले एक दो साल में लोगों की परफॉर्मेंस कैसी रही। आज आपके फर्स्ट फ्लोर पे खड़े होकर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आपके हेड हैं और जो कंपनी के लिए भी एक बहुत ही आला दर्जे पर हैं, उनको और उससे आला दर्जे पर प्रमोशन दी गई। तो मुजीब अहमद खान साहब जो है उनको जो चेयरमैन साहब है उन्होंने प्रमोट कर दिया। तो मैं उनका जो प्रमोशन का लेटर है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद फिर हम इनको सब मुबारकबादें भी देंगे और केक भी खाएंगे। तो डियर मुजीब अहमद खान, मैनेजमेंट टेक्स प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग यू दैट यू हैव बीन प्रमोटेड टू द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग। विद इमीडिएट इफेक्ट का मतलब होता है कि 24 घंटे से पहले ये 15 फरवरी का साइन हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये विद इमीडिएट इफेक्ट ही इज नाउ डायरेक्टर, माशाल्लाह, गॉड ब्लेस हिम। दिस प्रमोशन इज अ टोकन ऑफ योर रिकग्निशन फॉर योर सर्विसेज बीइंग रेंडर्ड बाय यू टू फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। इट इज ऑल्सो एन ऑनर फॉर अस टू हैव सच कॉम्पिटेंट, डिवोटेड एंड हार्ड वर्किंग मेंबर हु इज evenly and sincerely engaged for uplift of this company. So surely he has uplifted this company very well. Please accept innermost congratulations on your new position, and we indeed believe that you will work with same zeal and enthusiasm as you have been doing in the past. Truly yours, Mr. Zahid Rafiq, Chairman, Future Development Holding. Thank you.
very well deserved promotion. Very well deserved. Congratulations. मुजीब के बारे में मैं सिर्फ इतना एक बताना चाहता हूँ कि जो इसका कंपनी में तो जो इसकी पोजीशन है वो सबके सामने है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग भी इस कंपनी के अंदर जिन दो तीन लोगों ने मुझे लिटरली इम्प्रेस किया वो मलिक साहब, एक तो पहले जिन्होंने आके मेरी उंगली पकड़ी और मुझे आगे चलाया, और दूसरा जो मुजीब का कंडक्ट था कि जिस तरह से ये कंपोज रहा और अपने काम पे फोकस इसने रखा, और इसकी जो परफॉर्मेंस थी उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं थी, वो विजिबल थी, वो सबको पता था, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर एक को पता था कि परफॉर्मेंस क्या है। उसका एक इंडिकेटर ये है कि इस फ्लोर पे जब भी आए तो यहाँ खड़े होने के लिए जगह नहीं मिली। थैंक यू, बहुत कुछ मैंने भी इससे सीखा क्वाइटली, और अल्लाह ताला इनको और तरक्कियां दे और इज्जत दे। बेस्ट विशेस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। थैंक यू।